हाय गाइस, वेलकम टू श्री आर्ट एंड टिप्स। तो अगर आप एक ऐसा पैलेट सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको हाइलाइटर, ब्लशर, आई शेडो, मतलब एक पूरा का पूरा ओवरऑल पैलेट मिल जाए मेकअप का, जिसे आप आराम से कैरी कर सकें और जो आपके बजट में हो और आप कुछ इस टाइप से लुक क्रिएट कर पाएँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आप लोगों से जिस पैलेट के बारे में बात कर रही थी, ये रहा वो पैलेट। ये है स्विस ब्यूटी के साइड से प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। तो ये मिल जाता है हमें पाउडरी फॉर्म में। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की, और ये रही इसकी इनर पैकेजिंग। इसमें मेरा शेड है 02। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं। इसकी इनर पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी लाइट वेटेड है ये, और काफ़ी देखने में भी सुंदर दिखती है ये वाली पैकेजिंग। इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमें मिल जाता है फ्रंट में एक अच्छा सा मिरर, जिसमें आप देखकर अपना मेकअप कर सकते हैं। साथ में मिलती है एक प्लास्टिक सीट, जिनसे कि ये सारे मिक्स ना हो। अब मैं आपको इन्हें पास से दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की शेड्स मिली हैं हमें। इसमें 6 मिल जाते हैं ब्लशर, और जो बीच में है ना, ये हैं 2 हाइलाइटर के शेड्स, जो देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पिगमेंटेशन। उससे पहले बता देती हूँ कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 2024 की, जो कि बहुत अच्छी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसकी पिगमेंटेशन को। तो ये मैंने है ना अपनी फिंगर्स पे लिए हैं 6 ब्लशर को। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कितने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। मैंने इनको जब हाथ से ऐसे लगाया ना, तो ये पाउडरी फॉर्म में होने के बाद भी काफ़ी पिगमेंटेड थे, मतलब लगाने के बाद ये फॉल बिल्कुल भी नहीं होंगे। देख लीजिए इनकी शेड्स कितनी प्यारी हैं, मतलब आपको मिल जाते हैं 6 ब्लशर, जिसे आप है ना अपने मूड के अकॉर्डिंग अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। और इन ब्लशर को आप ऐसा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हाइलाइटर फर्स्ट वाला। हाइलाइटर से तो मैं है ना हाईली इम्प्रेस्ड हुई हूँ, बहुत ही अच्छा शेड है हाइलाइटर का। और जो सेकंड शेड है ना वो हल्का सा लाइट है, बट डेली यूज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जाता है। हाथ पे उतना नहीं दिख रहा है, बट जब इसे अप्लाई करोगे ना आप, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो अब इसका मैं आपको दिखा देती हूँ डेमो। तो आप ब्रश पर देखकर ही समझ हो गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो बस इसे लगाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं करना है एक ही प्लेस पर। पहले आपको है ना इसे पूरे में स्प्रेड कर लेना है जहाँ पर भी लगाना है, उसके बाद आप इसे ब्लेंड करोगे ना, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। अगर आप एक बार में ही है ना एक जगह से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, सारा का सारा कलर है ना वो एक ही जगह आ जाएगा, और ब्लेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो बस ये छोटी सी टिप आपको ध्यान में रखनी है। आप देख लीजिए कितना प्यारा ब्लशर लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, मुझे बहुत प्यारा लगा है। इसके बाद मैं आपको दिखा लेती हूँ इसके हाइलाइटर। हाइलाइटर की पिगमेंटेशन कैसी है वो भी आपको तभी पता चलेगी जब आप इसे है ना देखोगे। तो ये मैंने है ना हाइलाइटर को अप्लाई किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हाइलाइटर भी। आप दोनों साइड ना फ़र्क भी देख सकते हो। तो आप पहले देख लीजिए दोनों साइड फर्क, इस साइड का और इस साइड का, कितना प्यारा लुक आया है ना। तो बात करें कि ये ओवरऑल कैसा है, तो मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा है ये, बट जब मैंने इसे ओपन किया था मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई थी, बिकॉज मैंने पढ़ा था कि इसके आधे जो शेड्स हैं ना वो शिमरी है और आधे मैट है, बट जब ओपन करके देखा तो सारे के सारे शिमरी निकले, बस ये जो एक ब्लशर है ना वो मैट निकलता है। हाइलाइटर भी आपको शिमरी ही मिलते हैं, बट जब मैंने इनको अप्लाई किया ना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इनके हाइलाइटर से। इनमें हल्का सा सिमरी पार्टिकल ज़रूर है, बट वो ऐसे चंकी चंकी नहीं लगता है, एकदम शाइनी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। तो अगर आपको ना इस टाइप का लुक पसंद है हल्का सा शिमरी वाला, तो आप इनको है ना यूज़ कर सकते हैं, आप इस पैलेट के साथ में जा सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल मैट लुक चाहिए है, तो फिर ये पैलेट आपके लिए नहीं है। तो अगर आप चाहें ना कि आपको इस टाइप का लुक क्रिएट करना है अलग अलग ब्लशर के साथ में, हाइलाइटर के साथ में, आई शेडो के जैसे यूज़ करना है, तो आप इस वाले पैलेट को ज़रूर परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।